जयकारा पौना हरि दा। नमस्कार दोस्तों, सिद्ध योगी बाबा बालक नाथ जी की पवित्र गुफा दर्शन की यात्रा जो कि मंदिर शिव शक्ति सिद्ध श्री बाबा बालक नाथ जी I3/1 सेक्टर 16 रोहिणी के महंत एवं संचालक श्री जोगिंदर जी महाराज के द्वारा बाबा बालक नाथ जी के चैत्र मास के पावन अवसर पर आयोजित की गई थी। इस यात्रा के दौरान रात भर सफर करने के पश्चात अगली सुबह सात संगत रूपनगर रोपड़ पंजाब में गुरुद्वारा भट्टा साहब में रुकी। यहां पर संगत के द्वारा स्नान इत्यादि करने के बाद पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन किए गए एवं आशीर्वाद लिया गया। तत्पश्चात संगत के द्वारा गुरुद्वारे में ही लंगर प्रसाद इत्यादि ग्रहण किया गया और पुनः अगली यात्रा के लिए संगत चल पड़ी। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब पलों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो भी आप पुराने वीडियो की तरह ज़रूर पसंद करेंगे और इस यात्रा का आनंद लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तलाई में स्थित गोरना पेड़ का विशेष धार्मिक महत्व है। गोरना पेड़ का दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी ने माई रत्नों का धर्मपुत्र बनकर 12 वर्ष गायें चराई थी। चरण गंगा के किनारे स्थित गोरना की छाया में बैठकर बाबा जी तपस्या किया करते थे। गोरना पेड़ आज भी उसी तरह हरा भरा है। माना जाता है कि गोरना पेड़ के तने में डोरी बांधने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु उस डोरी को खोल देते हैं। इतना ही नहीं, श्रद्धालु गोरने के पत्तों को तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। इससे गोरना का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए मंदिर न्यास ने गोरने के तने के चारों ओर लोहे की ऊंची ग्रिल लगा दी है। अब श्रद्धालु ग्रिल पर ही डोरी बांधकर मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि बाबा बालकनाथ जी ने इस गोरने के नीचे बैठकर तपस्या की थी।
Oh,
हाजिर लगाएंगे, एक एक पेड़ सभी सभी ने एक एक पेड़ लगानी है, अपनी अपनी हाजिरी लगानी है। तो आइए सुखदेव भाई जी। Oh my Jesus।